सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारे पास चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। जब आप कोई बॉडी देखते हो, ये बॉडी इनिशियली न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है मतलब इसके पास इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। सो कोई भी बॉडी जब आप देखते हो तो उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, द बॉडी इज न्यूट्रल। लेकिन जब आप चाहते हो कि उसके पास कुछ नेट चार्ज रहे, तो आपको इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा या इलेक्ट्रॉन को देना होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो एक बॉडी को अगर हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, एंड हेंस द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और अगर आप उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है, यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, एंड हेंस द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। सो अगर Ne इज इक्वल टू Np है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो बॉडी न्यूट्रल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आपने बॉडी को एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस सिचुएशन में बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो उस सिचुएशन में बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज और बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। अब हम बात करते हैं कि यूनिट क्या होता है चार्ज का। तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम्ब। मतलब पूरे चैप्टर में हम कूलम्ब की बात करेंगे, बिकॉज हम SI यूनिट के बारे में डिटेल में डिस्कशन रखेंगे। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। इसके अलावा अदर यूनिट लाइक CGS यूनिट, तो CGS यूनिट चार्ज का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब बोलते हैं, और इसके में रिलेशन जो है वो कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, वन मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। और इनफैक्ट एक बार ये रिलेशन DC का एग्जाम होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पहले, तो वहां पे पूछा हुआ था कि एक कूलम्ब में कितने स्टेट कूलम्ब होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इन वन कूलम्ब देयर आर 3×10⁸ स्टेट कूलम्ब। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक कूलम्ब में कितने, मतलब SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन है, कभी पूछा जा सकता है। सो हमने देख लिया कि चार्ज का डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। तो मेथड ऑफ चार्जिंग अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका बाई फ्रिक्शन। सबसे पहले बाई फ्रिक्शन, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दो बॉडी को जब रब करते हैं, तो जैसे आपने रब करके देखा भी होगा अपने पेन को सर से रब करो, या फिर और भी बहुत सारे पेयर्स हैं जिसको आप दो को रब करोगे। इसमें फिक्स पेयर्स हैं, जिन दो को रब करोगे तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लाइटली बाइंड होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो हम लिखेंगे इसको, बट पहले समझ देते हैं एक बार, फिर डिटेल में समझते हुए लिखते हुए चलेंगे। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में हम रब करते हैं और एक पेयर से। कंडक्शन में क्या होता है, आपको दो बॉडी लेना है, आइदर दोनों डिफरेंटली चार्ज होना चाहिए, या एक चार्ज होना चाहिए और दूसरा बिना चार्ज का होना चाहिए, अनचार्ज्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो जब इन दोनों बॉडी को आप फिजिकल कॉन्टेक्ट में रखोगे ना, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में फ्लो करेगा। और ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ये पोटेंशियल में भी आप जानते नहीं होंगे, तो पोटेंशियल के बारे में जब ये बात जो है वो पोटेंशियल जब पढ़ाएंगे तो दोबारा आएगा कि दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी यहां पे हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल बॉडी के लिए जब बॉडी का साइज बराबर है तो पोटेंशियल बोले या चार्ज बोले एक ही बात है। तो दो बॉडी को अगर हम फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे, ये कंडक्शन का प्रिंसिपल है, कंडक्शन में बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में रखना जरूरी है। तो दो बॉडी को जब फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। जैसे एक का चार्ज क्यू है, दूसरा न्यूट्रल है, आपने फिजिकल कॉन्टेक्ट में रखा तो दोनों पर चार्ज q/2 हो जाएगा। कैसे निकाला, नेट चार्ज सम किया, q+0 टोटल चार्ज हो गया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉडीज दो है तो q/2 हो गया। या आप दूसरा केस ले लीजिए, जैसे आपने क्या किया, एक के पास चार्ज क्यू है, दूसरे के पास 2q है, दोनों बॉडी आइडेंटिकल इन साइज है, तो अगर फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। तो फिर से क्या करेंगे, दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे, क्यू और 2q को, 2q से चार्ज क्यू में फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाए। और वो सेम चार्ज कितना होगा,
तो सिंपल सा फंडा है टोटल चार्ज डिवाइड बाई टू, बिकॉज टू बॉडीज है तो टोटल चार्ज होगा 2q प्लस q डिवाइडेड बाई 2. सो टोटल चार्ज विल बी 3q बाई 2, मतलब चार्ज फाइनल चार्ज विल बी 3q बाई 2. दिस इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन. एक थर्ड मेथड है इंडक्शन, जिसमें हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज करते हैं बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के. ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन में जो चार्जिंग होता है वो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट का होता है. कैसा होता है जस्ट अभी थोड़े देर में इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब एक एक करके सारे मेथड्स पढ़ते हैं. तो सबसे पहले बाई फ्रिक्शन. तो बाई फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि जब दो टू बॉडीज को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिसने गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज. सो मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन आप नोट कर सकते हो, सॉरी बाई फ्रिक्शन आप नोट कर सकते हो, इंडक्शन तो लास्ट में देखेंगे. दूसरा है मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन. कंडक्शन में है जब दो बॉडी को फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाए, जब तक बॉडी आइडेंटिकल है. या डिफिनेशन तो ये है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा पोटेंशियल बिकम सेम. पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, फिलहाल डिफिनेशन में यही लिखेंगे. बट क्वेश्चन में आइडेंटिकल बॉडी ले लेंगे, आइडेंटिकल बॉडी के लिए चार्ज या पोटेंशियल दोनों चलेगा. यानी फॉर आइडेंटिकल बॉडी चार्ज बिकम सेम. आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. सो एक क्वेश्चन देखते हैं. इस पे क्वेश्चन ये है आपका, दो चार्जेस हैं क्यू और टू क्यू. मैंने रफली कुछ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस भी है आपके साथ. इनको फिजिकल कॉन्टेक्ट में रखते हैं, आपको बताना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा. सो वी हैव टू चार्जेस, एक है आपके पास क्यू और दूसरा है टू क्यू. इन दोनों को हम फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखते हैं. फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखने के बाद एक पे चार्ज होगा क्यू डैश, दूसरे पे चार्ज होगा क्यू डैश, बिकॉज एक से चार्ज दूसरे में फ्लो होगा. और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाए. दैट सेम इज क्यू डैश. तो क्यू डैश का कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो क्यू डैश होगा आपका क्यू डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज, मतलब कि क्यू प्लस टू क्यू डिवाइड बाई टू. यानी क्यू डैश आएगा आपका 3q बाई 2. ये आपका क्यू डैश का वैल्यू होगा. सो द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाई इंडक्शन. चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होगा आपका? एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में फ्लो करेगा तो सही, बट बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट का. मतलब कैसे फ्लो करेगा, कैसे आएगा? एक बॉडी की वजह से दूसरे बॉडी में चार्ज आएगा, फ्लो नहीं करेगा. एक बॉडी की वजह से चार्ज बॉडी की वजह से दूसरे बॉडी में चार्ज आएगा. किस तरीके से आएगा समझिएगा. जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है. आप देख पा रहे होंगे ये अनचार्ज्ड बॉडी है. इसके पास तीन पॉजिटिव चार्ज हैं. थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं मैं आपको दिखाने के लिए. इसके पास तीन पॉजिटिव चार्ज हैं और तीन नेगेटिव चार्ज हैं. न्यूट्रल बॉडी है. इस न्यूट्रल बॉडी के पास मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया. ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है इसका चार्ज मैं ले लेता हूं क्यू. तो ये क्यू चार्ज का एक रॉड लाया. अब देखिए, जब ये न्यूट्रल बॉडी एक्चुअल में था ना, तो ये कुछ ऐसे था. अगर तीन पॉजिटिव नेगेटिव थे तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं था. लेकिन जैसे ही मैं पॉजिटिव इसके पास लाया, ये अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा बट नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा. बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है. ये जो नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ ये इसके साथ एक तरीके से बाउंडेड है. सो दिस इज कॉल्ड बाउंड चार्ज. ये नेगेटिव को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज, और ये जो पॉजिटिव रिपेल हुआ, ये पॉजिटिव जो रिपेल हुआ ये, इसे हम बोलते हैं फ्री चार्ज. बिकॉज ये फ्री टू मूव है. अब अगर ये फ्री टू मूव है तो ये मूव कर जाएगा. कैसे मूव करेगा? मैं यहां पे अर्थिंग कर दूंगा, ग्राउंड से कनेक्शन कर दूंगा. देखिए, ग्राउंड का पोटेंशियल हम मानते हैं जीरो है.
तो हायर पोटेंशियल जिसका है, जैसे ही पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल है, तो उससे चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो रहता है। तो कभी भी ग्राउंड से कोई चीज कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज फ्लो कर जाता है, तो ये लगभग सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा, या आप कह सकते हैं कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, दोनों केसेस बराबर हुआ। और यहाँ पे केवल नेगेटिव बचेगा अर्थिंग करने के बाद, अर्थिंग भी हम डिस्कस करेंगे, तो अर्थिंग करने के बाद कुछ ऐसा होगा एंड देन आप इस चार्ज को सिर्फ नेगेटिव बचा है, लेकिन फिर आप क्या करिए कि ये पॉजिटिव को हटा दीजिए, तो ये जो नेगेटिव पहले बाउंड था ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और इसका वैल्यू होगा Q1। सो पहले ये कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर न्यूट्रल था, अनचार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, और फाइनली आपने जो मूवमेंट किया उस मूवमेंट की वजह से इस पे एक चार्ज आ गया, दैट चार्ज इज Q1। और वो Q1 का क्या वैल्यू होगा ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो उस Q1 का वैल्यू होगा Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये Q1 क्या है? Q1 चार्ज जो आया है, चार्ज इंड्यूस्ड, Q मतलब जो चार्ज आपने यूज किया है। सो Q1 इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां पे Q1 है इंड्यूस्ड चार्ज, और ये K क्या है? ये K है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा।